Assalamualaikum students, कैसे हैं आप सब? खैरियत से होंगे, जल्दी से लाइव हो जाएं। आज हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। रजिस्टर पेंसिल निकाल लें और लाइव हो जाएं। 10 मिनट बाद हम लेक्चर जो है वो शुरू करेंगे। क्लियर हो गया? जल्दी से दूसरे स्टूडेंट्स को भी आप बताएं ताकि वो लाइव हों और ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। इलेक्ट्रो से मुराद है इलेक्ट्रिसिटी और केमिस्ट्री से मुराद है केमिकल रिएक्शन। ठीक हो गया? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रिसिटी या फिर करंट और केमिकल रिएक्शन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। यानी कि हम क्या कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी यूटिलाइज करके केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करवा सकते हैं, या फिर केमिकल रिएक्शन से हम क्या कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है और केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है। तो केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम क्या करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में या केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इंटर कन्वर्जन स्टडी करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। ठीक हो गया? अब इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करवाने के लिए स्पेसिफिक टाइप का सेल यूटिलाइज होता है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जबकि केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हम यूज करते हैं गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल। तो स्टूडेंट याद रखना है द स्टडी ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल रिस्पेक्टिवली इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। शॉर्ट क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो हम जो है वो बताएंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इंटर कन्वर्जन जो है, इस स्टडी को हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। अब यहां पे दो शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है और सेकंड जो है इलेक्ट्रोलिटिक सेल या गैल्वेनिक सेल में डिफरेंस करें।
जल्दी से दूसरे स्टूडेंट्स को भी बताएं, ऑनलाइन हो और लेक्चर से इस्तेफादा हासिल करें, ठीक है। 5 मिनट के बाद हम अभी दोबारा फिर यहीं से बात शुरू करते हैं, जल्दी से सब बच्चे ऑनलाइन हो जाएं। जीरो स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर क्या है या ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको साथ साथ आप नोट करते जाएं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको समझने के बाद ही हम इससे रिलेटेड हर किस्म की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, वो है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर, या फिर हम इसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर स्टूडेंट क्या है? इट इज अपेरेंट चार्ज, अपेरेंट चार्ज, अपेरेंट चार्ज ऑन एन एटम, एक एटम के ऊपर जो चार्ज होता है, इन ए मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में मौजूद एटम पर या फिर आयन में। क्लियर हो गया? एक आयन या मॉलिक्यूल में मौजूद एटम पे जो चार्ज होगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम ऑक्सीडेशन नंबर कहेंगे या ऑक्सीडेशन स्टेट कहेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें अमोनिया की, तो अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर जो चार्ज है वो -3 है और हाइड्रोजन के ऊपर जो चार्ज है वो +1 है, ठीक है। इसी तरह वाटर है, तो वाटर में हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज जो है वो क्या है, +1 है, ऑक्सीजन के ऊपर जो चार्ज है वो -2 है। क्लियर हो गया? यानी कि एक मॉलिक्यूल में एटम के ऊपर जो चार्ज होगा उस चार्ज को हम क्या कहेंगे, उसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट कहेंगे। क्लियर हो गया? अब हमें कैसे पता चलेगा कि मॉलिक्यूल में या किसी आयन में एटम के ऊपर चार्ज क्या होता है? तो इसके लिए स्टूडेंट हमें कुछ रूल्स जो हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। रूल्स में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहला रूल कि जब भी कोई एलिमेंट फ्री स्टेट में होगा, फ्री स्टेट में जब भी कोई एलिमेंट होगा तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा। अब फ्री स्टेट में कैसे, अगर स्टूडेंट सिर्फ क्या लिखा हो, सिंबल लिखा हो एलिमेंट का और सिंबल के साथ कोई नंबर हो या फिर कोई नंबर ना हो, नो नंबर, तो इसका मतलब है कि वो वाला सिंबल क्या है, एलिमेंटल फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसा कि यहां पे मैं लिखता हूं H2, तो देखिए हाइड्रोजन एक सिंबल है, इसका नंबर है, ये एक एलिमेंट है और ये फ्री स्टेट में है। इस वक्त इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 0। इसी तरह मैं जस्ट लिखता हूं कॉपर, Cu, एलिमेंट है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 0। इसी तरह मैं लिखता हूं O2, एलिमेंट है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 0। यानी कि जब कोई सिंबल लिखा हो अकेला, ठीक है, या फिर उसके साथ क्या लिखा हो, कोई नंबर भी हो, तो ये एलिमेंट होगा और ये फ्री स्टेट में वो एग्जिस्ट करता होगा, तब उस सब्सटेंस की हम क्या कहेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 है।
क्लियर होगा स्टूडेंट? तो याद रखना है कि जब भी कोई एलिमेंट फ्री स्टेट में होगा तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो कंसीडर की जाएगी। क्लियर हो गया? सेकंड है कि मेटल्स जो हैं, मेटल्स की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो पॉजिटिव में होती है। क्लियर है? अब याद रखना है कि ग्रुप वन ए के जो एलिमेंट हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है प्लस वन। ग्रुप वन ए के एलिमेंट कौन से हैं? लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम वगैरह। क्लियर हो गया? जब ये एलिमेंट किसी कंपाउंड का हिस्सा होंगे तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? प्लस वन कंसीडर की जाएगी। इसी तरह ग्रुप टू ए के जो एलिमेंट है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है प्लस टू। क्लियर हो गया? इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम वगैरह। क्लियर हो गया? इसी तरह ग्रुप थ्री ए के एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री, जैसा कि एल्यूमिनियम, गैलियम एक्सेट्रा। ग्रुप फोर ए के जो एलिमेंट्स हैं, फोर ए के एलिमेंट, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस फोर भी होती है, माइनस फोर भी होती है, जैसा कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रा। क्लियर है? ग्रुप फाइव ए के जो एलिमेंट्स हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस थ्री और प्लस फाइव के दरमियान होगी। कौन कौन से ये एलिमेंट्स हैं? ये नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक एक्सेट्रा। तो ये रूल्स हमें याद होने चाहिए। ग्रुप सिक्स ए के जो एलिमेंट है इनकी ऑक्सीजन स्टेट माइनस टू या फिर प्लस सिक्स, इसके इन बिटवीन होगी। तो ये वाले एलिमेंट कौन से हैं? ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलीरियम वगैरह। ग्रुप सेवन ए के जो एलिमेंट्स हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस वन से लेके प्लस सेवन के दरमियान होगी। ठीक है? माइनस वन, प्लस वन, प्लस थ्री, प्लस फाइव, प्लस सेवन, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है, जैसा कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब स्टूडेंट याद रखना है कि फ्लोरीन अपने तमाम कंपाउंड में माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जबकि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो है ये डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो अभी हमने दो चीजें सीखी हैं, एक फ्री स्टेट में एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? जीरो। सेकंड, मेटल्स की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? पहले जो चार ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन नंबर वही है जो कि उनका ग्रुप नंबर है, जबकि ग्रुप फाइव, सिक्स, सेवन जो है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप नंबर को एट में से माइनस कर दें, वो हो सकती है या फिर ग्रुप नंबर की हो सकती है। क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो इस चीज को आपने सीखना भी है और याद भी करना है ताकि नेक्स्ट एमसीक्यूज और क्वेश्चंस को हम समझ सकें। क्लियर हो गया? इसको जल्दी से नोट कर लें, फिर हम आगे इसको जो है वो डिस्कस करते हैं मजीद। ये नोट कर लिया होगा, इसको अरेज कर देता हूं। अब स्टूडेंट हम डिस्कस करते हैं हाइड्रोजन को। तो याद रखना है कि हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा प्लस वन होगी। कब? जब ये किसी नॉन मेटल के साथ अटैच होगी। और हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस वन शो करता है जब हाइड्रोजन मेटल हाइड्राइड्स में होगा। क्लियर हो गया? मेटल हाइड्राइड्स, जैसा कि मैग्नीशियम हाइड्राइड है तो ये मेटल है, यहां पे हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कंसीडर की जाएगी? माइनस वन। इसी तरह सोडियम हाइड्राइड एक्सेट्रा। जबकि प्लस वन क्या है कि जब हाइड्रोजन किसी नॉन मेटल के साथ अटैच होगा तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कंसीडर किया जाएगा? प्लस वन कंसीडर किया जाएगा। क्लियर हो गया? इसी तरह स्टूडेंट ऑक्सीजन के बारे में है कि ऑक्सीजन माइनस टू ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा नॉर्मल ऑक्साइड्स में। जितने भी एग्जांपल्स एफएससी लेवल पे हैं वो मोस्टली जो है वो नॉर्मल ऑक्साइड्स की हैं, जिसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? माइनस टू है। इसी तरह माइनस वन ये शो करेगा पर ऑक्साइड्स में। कुछ एग्जांपल्स हैं पर ऑक्साइड्स की, जैसा कि सोडियम पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसी तरह बेरियम पर ऑक्साइड में माइनस वन है, इसी तरह ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया या वाटर हो गया एटसेट्रा, इन सब में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? माइनस टू होगी। इसी तरह ऑक्सीजन जो है ये माइनस हाफ शो करेगा सब ऑक्साइड्स, सुपर ऑक्साइड्स में, जैसा कि
रुबिडियम सुपरऑक्साइड है तो इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस हाफ होगी, जबकि ऑक्सीजन प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा किसमें, फ्लोराइड्स में, ठीक है। फ्लोराइड जैसा कि OF2 है तो इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, प्लस टू होगी। क्लियर होगा स्टूडेंट? तो ये चीजें आपने याद रखनी है। फर्स्ट आपको पता होना चाहिए कि फ्री स्टेट में एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होती है, मेटल्स की ऑक्सीजन स्टेट पॉजिटिव में होगी, और वो क्या होगी कि ग्रुप वन ए के एलिमेंट्स की ऑक्सीजन स्टेट क्या होगी, प्लस वन होगी, ग्रुप टू ए के एलिमेंट की प्लस टू, थ्री ए की प्लस थ्री, फोर ए की प्लस फोर या माइनस फोर, और फाइव की माइनस थ्री से प्लस फाइव के दरमियान, सिक्स की प्लस माइनस टू से प्लस सिक्स, और इसी तरह सेवन की माइनस वन प्लस सेवन। फ्लोरीन हमेशा माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, हाइड्रोजन प्लस वन भी शो करता है, माइनस वन, माइनस वन कब शो करेगा, जब हाइड्रोजन किसी मेटल हाइड्राइड में होगा। ऑक्सीजन जो है इसकी जितने भी एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करेंगे उसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा माइनस टू होगी, लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि पर ऑक्साइड में माइनस वन है, सुपर में माइनस हाफ है, और फ्लोराइड्स में जब भी ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ अटैच होगा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो प्लस टू कंसिडर की जाएगी। क्लियर होगा स्टूडेंट? इसको नोट करें। अब हम इसकी एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि किसी भी कंपाउंड में, किसी भी मॉलिक्यूल में या आयन में हम कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड करते हैं। जल्दी से इसको स्टूडेंट नोट कर लें। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल हमें कहा जाता है कि SO4-2 इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट बताएं क्या है। तो ये आयन है तो स्टूडेंट आपने क्या करना है कि सल्फर को आपने ऐसे लिख लेना है प्लस, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या लिखेंगे आप, माइनस टू। तो ये माइनस टू आ गई, कितने एटम ऑक्सीजन के, चार है, तो फोर से इसको मल्टीप्लाई कर दें, इज इक्वल टू जो ओवरऑल चार्ज है वो कितना है इसके ऊपर, माइनस टू के इक्वल है। तो अब स्टूडेंट ये देखेंगे क्या आ जाएगा, ये फोर मल्टीप्लाई टू माइनस एट इज इक्वल टू माइनस टू, और सल्फर किसके इक्वल आ गया, माइनस टू और प्लस एट, ये जाकर प्लस हो जाएगा और आंसर क्या आएगा, प्लस सिक्स। इसका मतलब है सल्फेट में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, प्लस सिक्स है। क्लियर है? अब याद रखना कि किसी भी आयन के ऊपर जो चार्ज होता है वो उस आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, और वो आयन में मौजूद एटम्स की ऑक्सीडेशन स्टेट का सम है, यानी कि अगर हम प्लस सिक्स और माइनस एट प्लस करें तो आंसर क्या आएगा, माइनस टू, दैट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फेट, ओवरऑल सल्फेट। क्लियर हो गया? इसी तरह हमारे पास है पोटाशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, K2Cr2O7। हमें कहा जाता है कि क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करें। तो स्टूडेंट पोटेशियम ग्रुप वन एक एलिमेंट है, मेटल है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, प्लस वन। तो हम क्या लिखेंगे, पोटेशियम की जगह पे लिखेंगे प्लस वन, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे टू के साथ क्योंकि दो पोटेशियम है, ठीक हो गया। प्लस यहां पे क्रोमियम कितने हैं, दो हैं, तो टू क्रोमियम लिख देंगे, प्लस ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस टू होती है, सेवन एटम है, सेवन से मल्टीप्लाई कर दें। अब इस पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, लिहाजा जीरो के इक्वल आएगा, यह क्या आ जाएगा, प्लस टू, प्लस टू क्रोमियम, और ये माइनस फोर्टीन इज इक्वल टू जीरो। अब यहां से हमने क्रोमियम को कैलकुलेट करना है तो माइनस फोर्टीन से टू माइनस कर दें तो माइनस ट्वेल्व रह जाएगा, वो उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो प्लस ट्वेल्व डिवाइडेड बाय टू कर दें तो आंसर किस में आ जाएगा, प्लस सिक्स में। इसका मतलब है यहां पे एक क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो प्लस सिक्स है। चैप्टर नंबर टेन की एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फोर और फाइव कि जितने भी एग्जांपल्स हैं जिसमें क्रोमियम और डिफरेंट एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है उन सब को स्टूडेंट आप सॉल्व करें। क्लियर हो गया? जिससे आपका ये ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो गया? इसको नोट कर लें।
जीरो स्टूडेंट नोट कर लीजिए। अब हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को, कि ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन स्टूडेंट क्या है कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम और आयन, किसी भी स्पीशी में से, किसी एटम में से, किसी आयन में से, किसी मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन्स का रिमूव होना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। क्लियर है, ऑक्सीडेशन की फर्दर भी डेफिनेशंस हैं लेकिन फिलहाल हम इलेक्ट्रॉन्स के रिमूवल से रिलेटेड इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखें कि ये हमारे पास कोई एटम है, अब याद रखना है कि एटम के ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो जीरो होती है। क्लियर है, उसकी वजह क्या है, क्योंकि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद और प्रोटॉन की तादाद क्या होती है, बराबर होती है। अब अगर एटम में से हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे इलेक्ट्रॉन को, तो ये क्या बन जाएगा, ये कैट आयन बन जाएगा। कैट आयन के ऊपर चार्ज क्या होता है, प्लस एन। ठीक है, अब कैट आयन के ऊपर प्लस चार्ज क्यों आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है वो प्रोटॉन की तादाद से कम हो जाती है। क्लियर हो गया, अब याद रखना है कि चार्ज ऑन कैट आयन जो है, चार्ज ऑन कैट आयन जो कि कैट आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि कोई स्पीशी जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगी उसके ऊपर उतना ही ज्यादा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स की रिमूवल को ऑक्सीडेशन कहते हैं। जब भी किसी स्पीशी की ऑक्सीडेशन होगी तो नेगेटिव चार्ज होगा वो स्टूडेंट क्या होगा, कम होना शुरू हो जाएगा, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या होना शुरू हो जाएगा, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। मिसाल के तौर पर यहां पर हम लिखते हैं कि सोडियम है, तो सोडियम यहां पे जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल हैं। तो अगर इसके ऊपर प्लस वन चार्ज आ जाए तो मतलब क्या है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है। ठीक है, कैटायन के ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उससे मुराद ये होगा उसने उतने इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए हैं। इसी तरह हमारे पास है मैग्नेशियम, तो मैग्नेशियम एलिमेंट्री फॉर्म में जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो ये प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगी, प्लस टू हो जाएगी, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करते जाएंगे उतना पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा। क्लियर हो गया, इसी तरह स्टूडेंट ये देखें कि ये हमारे पास क्या है, क्लोराइड है। क्लोराइड से मुराद ये है कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पहले ही एक्स्ट्रा है, अगर वो रिमूव कर दें तो ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया। तो यहां पर देखें कि नेगेटिव में चार्ज क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी कि नेगेटिव में अगर किसी स्पीशी की ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव होगी तो वो मूव करेगी जीरो की तरफ, और फिर जीरो से वो पॉजिटिव की तरफ मूव करेगी, कब, जब उस स्पीशी की हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहां पे लिखा जाता है जी कि ये कोई आयन है जिसके ऊपर माइनस थ्री चार्ज है, मतलब क्या है कि इसने तीन इलेक्ट्रॉन गेन कर रखे हुए हैं ऑलरेडी, तो अगर इसको हमने कन्वर्ट करना है माइनस वन में, ठीक है, तो माइनस वन में ये कैसे कन्वर्ट होगा, जब ये क्या करेगा, ये टू इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिमूव करते जाए नेगेटिव चार्ज कम होता जाएगा और फिर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा। क्लियर होगा स्टूडेंट, ये सबसे अहम पॉइंट है ऑक्सीडेशन का। क्लियर है कि किसी भी स्पीशी में से इलेक्ट्रॉन्स का रिमूव होना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। क्लियर हो गया, और जब भी किसी स्पीशी की ऑक्सीडेशन होगी तो नेगेटिव चार्ज कम होगा और पॉजिटिव चार्ज जो है वो इंक्रीज होगा। जैसा कि यहां पे देखें ये क्लोराइड है, तो अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। क्लियर है, और अगर इस क्लोरीन में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें और तो ये प्लस वन में चला जाएगा, एक और रिमूव कर दें प्लस टू में चला जाएगा, एंड सो ऑन। क्लियर होगा स्टूडेंट, इसको नोट कर लें, फिर हम डिस्कस करेंगे रिडक्शन को।
कमेंट में बेटे क्वेश्चन एक पूछा है बच्चे ने जोनी जुल्फकार ने कि एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन करना है, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 जो है चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 उसके पार्ट जो है वो आपने सॉल्व करने हैं ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने के लिए। कर लिया नोट आप स्टूडेंट? हम डिस्कस करते हैं रिडक्शन को कि रिडक्शन क्या है। रिडक्शन स्टूडेंट क्या है कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम आयन और मॉलिक्यूल, यानी किसी भी स्पीशी में इलेक्ट्रॉन की एडिशन को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। क्लियर हो गया? जब भी किसी स्पीशी की रिडक्शन होगी तो नेगेटिव चार्ज जो है उसका इंक्रीज होगा और जो पॉजिटिव चार्ज है वो डिक्रीज होगा। ये एरो ऊपर का मतलब है इंक्रीज और नीचे का मतलब डिक्रीज। क्लियर हो गया? ये देखें, ये हमारे पास कोई एटम है तो हमें पता है कि एटम के ऊपर चार्ज क्या, जीरो, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद क्या है, बराबर है। अब अगर इस एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एन आयन बन जाएगा। जितने इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे उतना ही उसके ऊपर चार आ जाएगा। तो अब यहां पे हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, -1 चार आ जाएगा और ये इसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो किसी भी स्पीशी में इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास क्लोरीन है, जीरो है, अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे ये क्या बन जाएगा, क्लोराइड। क्लियर हो गया? इसी तरह यहां पर मैं लिखता हूं कि ये हमारे पास सल्फर है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, मोनोसल्फाइड। एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे आप तो ये क्या बन जाएगा, ये सल्फाइड बन जाएगा। क्लियर हो गया? इसी तरह नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो ये क्या बन जाएगा, नाइट्राइड बन जाएगा। ये सारी एग्जांपल किसकी है, रिडक्शन की है। तो अब ये देखिए हमारे पास कोई स्पीशी है नाइट्रोजन, जीरो चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, -1। एक और ऐड करें इलेक्ट्रॉन तो क्या बन जाएगा, -2। एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो ये क्या बन जाएगा, -3। तो स्टूडेंट यहां पर देखें कि जब हम किसी स्पीशी में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो नेगेटिव में चार्ज जो है वो बढ़ रहा होता है। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास क्या है, कोई एलिमेंट है, कोई आयन है जिसके ऊपर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अगर इसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो उतना ही पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, ठीक है। 3 में से 2 जो है वो निकाल दे, बाकी क्या बच जाएगा, +1। तो +1 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बन जाएगी। क्लियर हो गया? अगर इसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दें तो फिर क्या होगा, -2 +1 -1 हो जाएगा, ठीक है, इसकी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो यहां पे ये सारी एग्जांपल्स क्या शो कर रही हैं कि जब भी रिडक्शन होती है तो तब नेगेटिव में चार्ज बढ़ता है और पॉजिटिव में चार्ज क्या होता है, कम होता है। क्लियर है? तो किसी भी स्पीशी में इलेक्ट्रॉन्स का ऐड होना क्या कहलाता है, रिडक्शन। और रिडक्शन के दौरान क्या होता है कि नेगेटिव में चार्ज इंक्रीज होता है और पॉजिटिव में चार्ज डिक्रीज होता है। क्लियर हो गया? अब हम स्टूडेंट सीखेंगे कि एक रिडॉक्स रिएक्शन क्या है और हमें कैसे पता चलेगा कि एक ये रिएक्शन रिडॉक्स है या नहीं है। क्लियर है? इसको नोट कर लें जल्दी से। स्टूडेंट्स के पास जो है वो इंटरनेट की प्रॉब्लम है तो वीडियो जो है उन तक नहीं पहुंचती, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये लेक्चर बाद में भी जो है वो अपलोड हो जाएगा, इसको आप बाद में भी देख सकते हैं। क्लियर हो गया? तो जब तक आपके पास नेट अच्छा आ रहा है आप इसको साथ साथ देखते जाएं, अगर नहीं आ रहा तो जैसे ही ये लेक्चर वाइंड अप होगा तो ये खुद ब खुद अपलोड भी हो जाएगा चैनल पर और आप इसको जो है वो दोबारा फिर देख सकते हैं स्टार्ट से। क्लियर हो गया? तो ये नोट कर लिया स्टूडेंट्स, जल्दी से इसको नोट कर लें। अब हम डिस्कस करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ठीक हो गया। रिडॉक्स रिएक्शन
तो स्टूडेंट देखें सब बच्चे, हमारे पास ये कोई इक्वेशन लिखी हुई है H2O2 और लिखा हुआ जी 2H2O। ठीक है, पूछा ये जाता है कि आइडेंटिफाई कि ये इक्वेशन रिडॉक्स है या नहीं, या ये रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं रिडक्शन। तो आपने स्टूडेंट देखना है कि इस इक्वेशन में सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप लिखें। हमें पता है कि जब भी कोई एलिमेंट फ्री स्टेट में होगा, देखें ना, जैसे हाइड्रोजन H2 है, इसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या होगी, जीरो, ऑक्सीजन की भी क्या होगी, जीरो, क्योंकि दोनों क्या है, फ्री स्टेट में है। तो अब यहां पर अगर देखें तो ये कंपाउंड है, कंपाउंड में हर एलिमेंट की एक स्पेसिफिक चार्ज होता है, उसके ऊपर स्पेसिफिक उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो यहां पे हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, टू एटम है, टू से इसको मल्टीप्लाई कर दें, ठीक हो गया, और ऑक्सीजन की क्या होगी, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन जो है ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन जो है ये जीरो से कन्वर्ट हो रहा है किसमें, +2 में कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर है, इसका मतलब क्या है कि ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। जबकि ऑक्सीजन जो है ये जीरो से कन्वर्ट हो रहा है किसमें, -2 में, इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, गेन किए हैं। क्लियर है, तो यहां पे देखें तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन हो रही है और ऑक्सीजन की रिडक्शन हो रही है। तो आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है, जस्ट क्या लिखें कि इक्वेशन में हर एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखें। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट में किसी एक स्पीशी की भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाए तो ऐसा रिएक्शन क्या होगा, रिडॉक्स रिएक्शन होगा। जैसा कि यहां पे हाइड्रोजन जीरो से कन्वर्ट हुआ है +2 में और ऑक्सीजन जीरो से -2 में, इसका मतलब है कि यह रिएक्शन क्या होगा, रिडॉक्स रिएक्शन होगा। क्लियर हो गया, समझ आ गई। याद रखना है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या हो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट में वेरिएशन हो, ऐसा रिएक्शन क्या होगा, रिडॉक्स होगा। आपने ओवरऑल रिएक्शन देखना है, किसी एक स्पीशी की भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई हो तो वो रिएक्शन क्या होगा, रिडॉक्स कंसिडर किया जाएगा। क्लियर होगा स्टूडेंट। अब यहां पर सेकेंड चीज है वो है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या चीज है, और ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट ऐसी स्पीशी होगी जो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, जो दूसरी स्पीशी की क्या करेगी, रिडक्शन कर देगी। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, लूज करता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जबकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, गेन करता है इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट यहां पर देखें तो हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे रहा है, तो लिहाजा हाइड्रोजन इसकी क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है, लिहाजा ये क्या होगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जबकि ऑक्सीजन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और ये इसकी ऑक्सीजन इसकी ऑक्सीडेशन कर रहा है ना, तो लिहाजा ये क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्लियर होगा, तो ये भी हमने याद रखना है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट फाइंड करनी आनी चाहिए। जब आपको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना आता होगा तब ही जो है वो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि गिवन रिएक्शन रिडॉक्स है या नहीं है। क्लियर हो गया। सेकंड जो है, जब आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि रिएक्शन रिडॉक्स है या नहीं है, उसके बाद फिर हमें ये पूछा जा सकता है कि बताएं कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व हुए हैं, कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो रिडक्शन में इन्वॉल्व हुए हैं। इसी तरह हमें पूछा जा सकता है कि इस इक्वेशन में बताएं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। क्लियर हो गया। तो स्टूडेंट याद रखना है कि जिस स्पीशी की ऑक्सीडेशन हो रही है अपनी, वो रिड्यूसिंग एजेंट है, और जिस स्पीशी की रिडक्शन हो रही है वो बेसिकली क्या है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो दूसरे की क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है। क्लियर है, इसको नोट कर लें। जी दो स्टूडेंट, अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट
टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से हम क्या करेंगे, इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे। क्लियर हो गया, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से इक्वेशन को हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। क्लियर हो गया। ये हमारे पास स्टूडेंट एक इक्वेशन है, कॉपर नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, कॉपर नाइट्रेट प्लस NO2 प्लस वाटर। क्लियर हो गया। जल्दी से इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखें, जल्दी से प्रैक्टिस करें, फिर हम इसको आगे से शुरू करते हैं। जी स्टूडेंट, इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी होगी, अब मैं भी लिखता हूं। कॉपर यहां पे देखें एलिमेंटल फॉर्म में है, ये फ्री स्टेट में है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, जीरो होगी। क्लियर हो गया। यहां पे हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, प्लस वन है, ठीक है। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, प्लस फाइव है, और ऑक्सीजन की क्या है, माइनस टू मल्टीप्लाई थ्री, यानी कि माइनस सिक्स है, ठीक है। आप ये सेपरेट एक पेज के ऊपर हर स्पीशी की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो फाइंड करें। इसी तरह यहां पे कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू है, नाइट्रोजन के एक एटम की कितनी है, प्लस फाइव, और दो है यहां पे, तो प्लस फाइव मल्टीप्लाई टू कर दें आप इसको। ऑक्सीजन तीन को दो जरब दें छह, तो माइनस टू मल्टीप्लाई सिक्स, ये ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। नाइट्रोजन यहां पर क्या है स्टूडेंट, प्लस फोर है, और ये माइनस फोर, ये क्या है प्लस टू, और ये क्या है माइनस टू है, ठीक है। अब यहां पे इसको हम जो है वो एक एक एलिमेंट के लिख लेते हैं, प्लस वन मल्टीप्लाई टू कर लेते हैं इसको। क्लियर हो गया। और इसको माइनस टू मल्टीप्लाई टू कर लेते हैं। अब यहां पे देखें, सबसे पहले आपने क्या करना होता है कि इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में हमने क्या करना होता है कि हर स्पीशी की ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देनी होती है। तो यहां पे हमने क्या किया कि हर स्पीशी की ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दी हुई है, ठीक है। सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है कि सिर्फ उन स्पीशीज की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है कि जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आया है। तो देखिए, ये जीरो से प्लस टू में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये जीरो वाले भी हम लिख लेंगे। ये HNO3 जो है ये प्लस फाइव से कन्वर्ट हो रहा है, किसमें, प्लस फोर में, और यहां पर इसकी प्लस फाइव ही है, ठीक हो गया। तो लिहाजा इसकी मैंने लिख ली है, और यहां पे आ गया ये कॉपर प्लस टू, और साथ NO3 ट्वाइस आ गया, साथ NO2 नाइट्रोजन प्लस फोर, और ये वाटर जो है ये वैसे ही आ गया। फर्स्ट स्टेप में स्टूडेंट आपने क्या करना होता है कि एक एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी होती है। सेकंड स्टेप में आपने ये देखना है कि किन की ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आया है, आपने उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख ली। क्लियर हो गया। अब आप क्या करेंगे, अब आप देखेंगे कि कॉपर जो है ये कन्वर्ट हुआ है जीरो से प्लस टू में, तो जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव में इंक्रीज होगी, इसका मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन हो रही है, इसका मतलब है कि ये वाला स्टेप जो है ये क्या है, ये ऑक्सीडेशन का है। तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज होंगे यहां पे, दो इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज हुए हैं, यानी कि टू इलेक्ट्रॉन जो है वो, माइनस का मतलब क्या है कि दो इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं, ठीक हो गया। इसी तरह नाइट्रोजन जो है वो प्लस फाइव से किसमें कन्वर्ट हुआ, प्लस फोर में, यहां पर देखें तो नाइट्रोजन प्लस फाइव में ही है, ठीक हो गया। तो प्लस फाइव से प्लस फोर में जाने के लिए जब पॉजिटिव में ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगी तो ये रिडक्शन होगी, तो इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई है, ये रिडक्शन हो गई है, ठीक है स्टूडेंट। तो फर्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, इक्वेशन में हर एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देंगे। सेकेंड स्टेप आप क्या करेंगे कि आप देखेंगे, बताएंगे यहां पे कि कितने इलेक्ट्रॉन की ऑक्सीडेशन हुई है और कितने इलेक्ट्रॉन की रिडक्शन हुई है। क्लियर हो गया।
अब स्टूडेंट आप क्या करेंगे, दोनों साइड पे, अब यहां पे एक और चीज है कि जो नाइट्रिक एसिड है इसमें एक नाइट्रोजन तो प्लस फाइव में ही है और एक नाइट्रोजन जो है वो प्लस फोर में है, तो इसका मतलब है कि हमें एक दफा और जो है वो नाइट्रिक एसिड लिखना पड़ेगा HNO3, यानी कि इसकी जो नाइट्रोजन है वो प्लस फाइव में ही है लेकिन इसका नाइट्रोजन जो है वो प्लस फोर में कन्वर्ट हुआ है। क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है कि दोनों साइड पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल करने के लिए किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको हम क्या करेंगे, वन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ गया, टू इलेक्ट्रॉन, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे टू से तो ये क्या हो गया, टू इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऑक्सीडेशन के भी रिडक्शन के इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, इक्वल हो गए। तो अब स्टूडेंट ये इक्वेशन हम लिख लेंगे HNO3, ठीक है, कॉपर को हमने वन से मल्टीप्लाई किया तो वन वैसे ही आ गया, अब नाइट्रिक एसिड के इलेक्ट्रॉन्स को हमने टू से मल्टीप्लाई किया तो हम इसको लिख देंगे टू HNO3 एरो, कॉपर जो है वो वैसे ही आ जाएगा NO3 ट्वाइस। अब यहां पे क्या है कि इसके साथ टू और लिखा है तो इसके साथ भी हमें टू लिखना पड़ेगा, टू NO2, और ये साथ क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ये वाटर आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब सिंपल हमने क्या करना है कि इस इक्वेशन को इंस्पेक्शन मेथड से बैलेंस कर लेंगे और हमारा ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देखें स्टूडेंट, अगर हम क्या करें यहां पे टू लगा दें तो फिर हमें भी यहां पे भी क्या करना पड़ेगा, टू लगाना पड़ेगा। तो ये देखें दो और दो चार हाइड्रोजन, यहां पर कितने हो गए, चार हाइड्रोजन हो गए। आगे नाइट्रोजन कितने है? दो और दो चार, यहां पर देखें ये दो नाइट्रोजन, दो चार नाइट्रोजन भी हो गए। ऑक्सीजन देखें तीन दो छह, तीन दो छह 12 ऑक्सीजन, 3 2 6 2 2 4 10 और 2 12, ठीक है, कॉपर 1 और कॉपर 1। तो इस तरह देखें पूरी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गई है। अब इस इक्वेशन को हम ओवरऑल लिख लेते हैं, कॉपर 2 और 2 4, 4 HNO3 आ गया। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्या आ जाएगा, ये आ गया कॉपर नाइट्रेट, ठीक है, प्लस 2 NO2 प्लस 2 H2O। तो स्टूडेंट बोर्ड ने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है, आपकी बुक में जो एग्जांपल है आप उसको सॉल्व करें, मैंने आपको एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन सॉल्व करवाया है ताकि आपको समझ आए कि ये हमने कैसे सॉल्व करना है। फिर सुने, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन में हर एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट को लिखेंगे एक एक एलिमेंट की, ठीक है। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि किन एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आया है, जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई होगी सिर्फ हम वो वाले एलिमेंट लिख लेंगे। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल कर लेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इक्वल होंगे उतना ही हम क्या करेंगे उस स्पीशी के साथ नंबर से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। और लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, बाय इंस्पेक्शन जस्ट देख के हम क्या करेंगे इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे। अब पेपर में तो इतना टाइम होता ही नहीं है, तो फिर आप जब इतना काम करते हैं बाकी इक्वेशन को जब आप एक दो दफा लिखेंगे तो वैसे ही आपको याद हो जाएगी कि इसको बैलेंस कैसे करना है। इसको जल्दी से स्टूडेंट नोट करें, हम एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं ताकि ये वाला टॉपिक आपका फर्दर जो है वो स्ट्रांग हो जाए। जल्दी से स्टूडेंट इसको नोट करें, नेक्स्ट एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं। जी तो स्टूडेंट नेक्स्ट एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं, जिंक और एसिड के रिएक्शन से एक इक्वेशन बनती है। इस इक्वेशन को हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। क्लियर हो गया। तो ये स्टूडेंट जिंक है, ये नाइट्रिक एसिड, इस इक्वेशन को तो ये बन गया जिंक नाइट्रेट,
NO और साथ वाटर, ये इक्वेशन है। पेपर में कहा जाता है कि इस इक्वेशन को ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करें। तो स्टूडेंट उसी तरह हम क्या करेंगे कि हर स्पीशी की ऑक्सीडेशन लिखेंगे। तो जिंक के अकेला जिंक के एलिमेंट की फॉर्म में फ्री स्टेट में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वन, नाइट्रोजन की प्लस फाइव, ऑक्सीजन की माइनस टू, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, थ्री के साथ, क्योंकि हम यहां पे तीन एटम है ऑक्सीजन के। क्या है फाइव, ऑक्सीजन क्या है माइनस मल्टीप्लाई थ्री, क्लियर हो गया। यहां पे नाइट्रोजन क्या है स्टूडेंट प्लस टू और ऑक्सीजन माइनस टू, हाइड्रोजन प्लस वन मल्टीप्लाई टू और ये माइनस टू। अब स्टूडेंट अगर यहां पे गौर करें आप, यहां पे नाइट्रोजन एक प्लस फाइव, एक नाइट्रोजन जो है वो प्लस टू में कन्वर्ट हुआ, इसका मतलब है नाइट्रिक एसिड दो दफा लिख लेंगे हम। जिंक जीरो से में जा रहा है, हाइड्रोजन है इधर भी प्लस वन है, ऑक्सीजन माइनस टू है इधर भी माइनस टू है, ठीक है। ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन में कोई वेरिएशन नहीं आई, जबकि जिंक और नाइट्रोजन की ऑक्सीडेट में नाइट्रोजन जो है वो प्लस फाइव में ही है, एक नाइट्रोजन प्लस टू में है, इसलिए नाइट्रिक एसिड हम दो दफा लिख लेते हैं। ये आ गया जी नाइट्रिक एसिड प्लस जिंक और ये नाइट्रिक एसिड और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस फाइव और इसकी जीरो। यहां पे आ गया जी जिंक प्लस टू और साथ जो है एनओ थ्री ट्वाइस, वैसे ही आ गया प्लस एनओ, ये प्लस टू आ गया और ये आ गया साथ वाटर, क्लियर हो गया। अब हमने सिर्फ उन स्पीशीज की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी है जो चेंज आया जिनमें। तो यहां पर देखें तो जिंक जो है वो जीरो से प्लस टू में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब है कि यहां पे दो इलेक्ट्रॉन्स की क्या हुई है स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन हुई है, ठीक हो गया स्टूडेंट। जबकि यहां पे जो नाइट्रिक एसिड है इसमें नाइट्रोजन प्लस फाइव से प्लस टू में कन्वर्ट हुआ है, तो कैसे कन्वर्ट होगा, तीन इलेक्ट्रॉन्स की यहां पे क्या हुई है रिडक्शन हुई है, ठीक है, थ्री इलेक्ट्रॉन्स की रिडक्शन हुई है। अब स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि रिडक्शन के और ऑक्सीडेशन के इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल करते हैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके। तो इस नंबर को हम थ्री से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा सिक्स इलेक्ट्रॉन, इसको टू से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी क्या बन गया सिक्स इलेक्ट्रॉन। अब जिंक के इलेक्ट्रॉन्स को थ्री से मल्टीप्लाई किया है इसलिए जिंक को इधर भी और इधर भी थ्री से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। नाइट्रोजन वाले के इलेक्ट्रॉन्स को टू से इधर भी टू से मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी टू से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी HNO3 प्लस जिंक, कितने जिंक थ्री, ठीक है, प्लस यहां पे क्या आ जाएगा 2HNO3 आ जाएगा और ये आ गया जिंक, यहां पे थ्री आ गया स्टूडेंट जिंक नाइट्रेट। लास्ट टाइम में क्या करना है बाय इंस्पेक्शन हम इस इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे, क्लियर हो गया स्टूडेंट। तो यहां पे हम क्या करेंगे फोर लगा देंगे और यहां पे हम क्या करेंगे सिक्स लगा देंगे, इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। देखें स्टूडेंट हाइड्रोजन को अगर देखें तो छह हाइड्रोजन ये है और दो ये, कितने हो गए आठ, तो चार आठ हो गए, क्लियर हो गया। जिंक तीन है यहां पे, यहां भी तीन है। ऑक्सीजन देखें छह तीन अठारह, अठारह और तीन दो छह कितने हो गए चौबीस, तो यहां पर भी देखें तीन दो छह, छह तीन अठारह, अठारह और दो बीस, बीस और चार चौबीस, तो इक्वेशन क्या हो गई है स्टूडेंट बैलेंस हो गई है। अब ओवरऑल इक्वेशन लिख लें तो थ्री जिंक हो गए, ठीक है, छह और दो आठ नाइट्रिक एसिड के मालिक ही, और ये क्या आ गया थ्री जेड एन NO3 twice plus 2 NO plus 4 water molecules, क्लियर हो गया। तो इक्वेशन बैलेंस हो गई है। अब हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट इसके बाद आयन इलेक्ट्रॉन मेथड इक्वेशन को बैलेंस करना। जल्दी से इसको नोट करें, इसकी प्रैक्टिस करें, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको इसका कंसेप्ट उतना ही ज्यादा होगा। अब मैं यहां पे आपको कुछ बातें एंटी टेस्ट से रिलेटेड बताता हूं। एमबी कैट में या ई कैट में क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, सबसे पहला क्वेश्चन एंटी टेस्ट में पूछा जाता है आपको कोई इक्वेशन गिवन है, पहला क्वेश्चन आइडेंटिफाई द इक्वेशन विच इज रिडॉक्स, हमने आइडेंटिफाई करना है इक्वेशन को जो कि रिडॉक्स रिएक्शन है। तो सिंपल आपने क्या करना है कि हर स्पीशी की ऑक्सीडेशन स्टेट को लिख देना है, क्लियर हो गया। जहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज आ जाए वो वाला रिएक्शन ओवरऑल क्या होगा रिडॉक्स रिएक्शन होगा, ठीक हो गया। सेकेंड क्वेश्चन स्टूडेंट आपसे पूछा जाएगा कि बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स की ऑक्सीडेशन हो रही है और कितने इलेक्ट्रॉन की रिडक्शन, तो ये आपने जब इक्वेशन लिखनी है तो आपको पता चल जाएगा कि तीन इलेक्ट्रॉन की रिडक्शन हुई है, दो इलेक्ट्रॉन की ऑक्सीडेशन हुई है, क्लियर होगा। थर्ड आपसे क्वेश्चन स्टूडेंट पूछा जा सकता है कि बताएं यहां पर
कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो मैंने बताया था कि जिसकी ऑक्सीडेशन होगी वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, तो जिंक यहां पे क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। जिसकी रिडक्शन होगी वो क्या होगा, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो नाइट्रिक एसिड यहां पे क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जिंक क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लियर हो गया। तो देखेंगे तीन चार किस्म के जो क्वेश्चन है वो यहां से एमडी कैट के पेपर में पूछे जा सकते हैं। इसको जल्दी से नोट करें, फिर हम डिस्कस करते हैं बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। स्टूडेंट नोट कर लिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से हम क्या करेंगे, इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में यहां से भी लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। जिन स्टूडेंट को क्लास में समझ नहीं आई वो यहां से इसको दोबारा फिर जो है वो डिस्कस कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेक्चर साथ साथ स्टूडेंट अपलोड हो रहा है, इसके जैसे लेक्चर वाइंड अप होगा इस टॉपिक के बाद तो आप इसको दोबारा फिर स्टार्ट से देख सकते हैं। उन बच्चों के साथ भी शेयर करें जिनको इन पॉइंट्स की समझ नहीं आई, और जहां से आपको समझ नहीं आती आप दोबारा फिर लेक्चर को जो है वो रिवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्लियर हो गया। तो ये मेरे पास एक इक्वेशन है स्टूडेंट, लिखा जी MnO4-1 C2O4-2 एरो Mn+2 और CO2। कहता है कि ये इक्वेशन है, इसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से जो है वो सॉल्व करें या बैलेंस करें। तो स्टूडेंट आपने क्या करना है, सबसे पहले इस इक्वेशन को दो हिस्सों में डिवाइड कर देना, यानी कि ये वाला हिस्सा इसमें कन्वर्ट हो रहा है और ये वाला हिस्सा इसमें कन्वर्ट हो रहा है, तो आप इसको डिवाइड कर दें। ये आ गया जी MnO4-1 से कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Mn+2 में। ठीक हो गया, जबकि C2O4-2 कन्वर्ट हो रहा है किसमें, CO2 में। क्लियर हो गया। अब जैसे आप इक्वेशन को डिवाइड करते हैं तो आपको बेटे हर स्पीशी की ऑक्सीडेशन स्टेट का या नंबर का पता होना चाहिए। यहां पे मैगनीज +7 है, यहां पे +2 में कन्वर्ट हुआ है। क्लियर है, यहां पे क्या है, ये +7 है, आपने ये फाइंड कर लेना है। यहां पे क्या +2 है, इसी तरह यहां पे कार्बन जो है वो स्टूडेंट क्या है +3 है, और यहां पे क्या है +4 है। क्लियर है, कैसे -8 उधर जाकर +8 हो जाएगा, 2 में से माइनस कर दें +6 और 2 में डिवाइड कर दें +3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट आपने खुद से फाइंड करनी है। अब जब आपको ये इक्वेशन गिवन होती है तो आपको स्टूडेंट साथ जो है वो कहता है कि मीडियम कौन सा है, ये जो रिएक्शन है ये एसिडिक मीडियम का है। क्लियर हो गया। तो अगर एसिडिक मीडियम की इक्वेशन होगी तो उसको कैसे बैलेंस करना, सबसे पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो स्टूडेंट यहां पर 4 ऑक्सीजन है, इस तरफ ऑक्सीजन नहीं है, तो इसका मतलब है कि एसिडिक मीडियम में इस तरफ हम क्या करेंगे, वाटर को ऐड करेंगे। तो एक वाटर मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन होता है, तो 4 में कितने होंगे, 4 ऑक्सीजन होंगे। तो इसका मतलब है कि इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट वाली साइड पे 4 वाटर मॉलिक्यूल लिख देंगे। क्लियर हो गया। तो यहां पर देखें 4 ऑक्सीजन बैलेंस हो गए, लेकिन ये क्या है, 8 हाइड्रोजन आ गए हैं, तो इस तरफ हम क्या करेंगे, 8 हाइड्रोजन आयन लगा देंगे। क्लियर है। अब हमने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना है। तो यहां पे मैगनीज +7 से कन्वर्ट हो रहा है +2 में, तो +7 से +2 में कन्वर्ट होने के लिए क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे। तो इस तरफ हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, यहां पे हम
पांच इलेक्ट्रॉन्स लिख देंगे। क्लियर हो गया, ये आ गया जी पांच इलेक्ट्रॉन, ये हमारी एक पोर्शन जो है वो सॉल्व हो गया। यहां पे बेसिकली क्या हो रही है, रिडक्शन, तो ये वाला हिस्सा क्या होगा, ये रिडक्शन हाफ कहलाएगा। क्लियर हो गया, तो ऑब्वियसली फिर ये क्या होगा, ये ऑक्सीडेशन हाफ कहलाएगा। अब यहां पे स्टूडेंट क्या करना है आपने, यहां पे ऑक्सीजन को बैलेंस कर लें और कार्बन को बैलेंस कर लें, क्योंकि दोनों तरफ ऑक्सीजन है, सिंपल नंबर लिख लें। अगर आप यहां पर टू लगा दें तो देखिए दो कार्बन हो गए, चार ऑक्सीजन हो गए, बैलेंस हो गए। लेकिन इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए ये देखें, ये प्लस थ्री से कन्वर्ट हो रहा है प्लस फोर में, इसका मतलब क्या है कि यहां पे एक कार्बन से, ये एक कार्बन की है ना, तो दो कार्बन है, एक कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन, दो से दो इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब है दो इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व हुए हैं। क्लियर हो गया, अब यहां पर दोनों तरफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन सब कुछ बैलेंस हो गया। अब आपने क्या करना है, दोनों इक्वेशंस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल करना है किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके। अगर इस इक्वेशन को हम टू से मल्टीप्लाई कर दें और इस इक्वेशन को फाइव से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या देंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा, ये 16 हाइड्रोजन, ये आ गया 2MnO4- प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एरो 2Mn+2 प्लस 8 वाटर मॉलिक्यूल। क्लियर हो गया, इसी तरह ये वाली इक्वेशन भी लिख लें, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5C2O4-2 एरो, ये हो गया 10CO2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। अब आपने क्या करना है, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल कर दें, रिएक्टेंट वाली साइड रिएक्टेंट पे, प्रोडक्ट वाली साइड प्रोडक्ट पे लिख दें, इक्वेशन बैलेंस हो गई है। ये 6 प्रोटॉन आ गए, 2MnO4-1 प्लस 7 क्या रहेगा, 5C2O4-2, और प्रोडक्ट वाली साइड पे क्या है, 2Mn+2, 8 वाटर मॉलिक्यूल आ गए और 10 कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर होगा स्टूडेंट, तो ये हमने क्या किया है, बैलेंस किया है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से एक एसिडिक मीडियम के रिडॉक्स रिएक्शन को। इसको स्टूडेंट जल्दी से नोट करें, फिर हम बेसिक मीडियम की इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। जीरो स्टूडेंट नोट कर लिया है, अब हम बेसिक मीडियम की इक्वेशन को जो है वो बैलेंस करेंगे। बेसिक मीडियम आप कमेंट में कोई क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, कोई चीज समझ ना आए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं ताकि मैं वो दोबारा फिर यहां पे डिस्कस करूं। मैं पीछे जाके आपके कमेंट से पढ़ रहा होता हूँ, आप कमेंट में बता सकते हैं कि सर ये वाला पॉइंट दोबारा फिर रिवाइज कर दें। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन है बेसिक मीडियम की, साइनाइड है, MnO4-1 ये बन गया CnO-1 प्लस Mn+2, ये एक इक्वेशन है बेसिक मीडियम की। ये बेसिकली MnO2 बना है, MnO4 पर मैग्नेट जो है वो मैंगनीज डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ है। जल्दी से स्टूडेंट इन सब में हर स्पीशी की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करें। मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं, सबसे पहले उसी तरह इसी इक्वेशन को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। ये इक्वेशन जो है ये बेसिकली
बेसिक मीडियम की है। आपकी बुक में सारी जो एग्जांपल्स हैं वो एसिडिक मीडियम की है, सिवाय एक या दो एग्जांपल्स की जो एक्सरसाइज में गिवन है वो क्या है, वो बेसिक मीडियम की है। तो पेपर में कोई भी पूछी जा सकती है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर स्पीशी की ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लेंगे। यहाँ पे कार्बन जो है वो प्लस फोर, नाइट्रोजन जो है वो माइनस थ्री है, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा, माइनस वन आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे ये प्लस टू है, ठीक है, माइनस थ्री और प्लस टू माइनस वन। आयन के ऊपर जो चार्ज है वो उसकी ऑक्सीजन स्टेट होगी, और किसी भी आयन के ऊपर जो चार्ज है वो बेसिकली हर एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या होगा, सम होगा। तो माइनस थ्री प्लस टू माइनस वन के इक्वल है। इसी तरह यहाँ पे स्टूडेंट मैगनीज प्लस सेवन है, ऑक्सीजन हमें पता है माइनस टू मल्टीप्लाई फोर, और ये माइनस वन। तो देखें ये माइनस एट और प्लस सेवन माइनस वन के इक्वल आ रहा है। इसी तरह यहाँ पे हम लिखेंगे तो ओवरऑल चार्ज माइनस वन के इक्वल है। कैसे आएगा ये प्लस फोर आ गया, ये माइनस थ्री, ये माइनस टू, तो माइनस थ्री माइनस टू माइनस फाइव प्लस फोर कितना आ गया, माइनस वन के इक्वल आ जाएगा। और ये स्टूडेंट क्या आ जाएगा, एम एन ओ टू, यहाँ पे मैगनीज जो है वो प्लस फोर है, ऑक्सीजन माइनस टू मल्टीप्लाई टू है। क्लियर हो गया। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमने क्या करना है, हर स्पीशी की ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लेनी है। अब इक्वेशन को दो हिस्सों में डिवाइड कर लें, जो सी एन है ठीक है माइनस वन, इसमें सिर्फ कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई है प्लस टू से प्लस फोर में, मतलब आगे मैंने कार्बन की लिख ली है, ये कन्वर्ट हुआ है सी एन ओ माइनस वन में, ठीक है, एक हाफ ये हो गया। इसी तरह जो एम एन ओ फोर है ये प्लस सेवन है, ठीक है, इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज माइनस वन है, ये कन्वर्ट हुआ किसमें, एम एन ओ टू प्लस फोर में, ठीक है। अब बेसिक मीडियम है तो इस तरफ देखिए स्टूडेंट कोई भी जो है वो ऑक्सीजन नहीं है, इस तरफ ऑक्सीजन है। तो बेसिक मीडियम में ऑक्सीजन ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे OH लगा देते हैं और यहाँ पे CNO माइनस वन ही आ गया। एक ऑक्सीजन अगर इसको दो कर दें तो ये क्या हो गया, यहाँ पे वाटर बन जाएगा, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन वाटर और एक ऑक्सीजन ये आ गया। तो देखें स्टूडेंट ये क्या होगी, बैलेंस हो गई। उसके बाद देखिए यहाँ पे तो कार्बन प्लस टू से कन्वर्ट हो रहा है प्लस फोर में, इसका मतलब क्या है कि प्लस टू से प्लस फोर में जाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे, तो ये ऑक्सीडेशन हो रही है, ये माइनस वन है। तो ये साइनाइड जो है इसमें आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट वाली साइड पे क्या करेंगे, लिख देंगे दो इलेक्ट्रॉन की ऑक्सीडेशन हुई है। क्लियर हो गया। इसी तरह यहां पर अगर देखें आप तो एम एन ओ फोर है, इसमें पहले आप ऑक्सीजन को बैलेंस कर लें, दो ऑक्सीजन ये आ गए, ठीक है, दो हम यहां पे क्या करते हैं, वाटर लगा देते हैं 2H2O, ठीक है, तो दो हाइड्रोजन ये आ गए, चार हाइड्रोजन हो गए और ये दो ऑक्सीजन ये आ गए, यहां पे आ जाएगा 4OH। क्लियर हो गया। तो स्टूडेंट यहां पे देखें आप कि यहां पे चार और दो छह, दो और चार छह ऑक्सीजन हो गए, दो और दो चार, हाइड्रोजन भी चार हो गए, ठीक है, हमने ऑक्सीजन को बैलेंस कर लिया। फर्क सिर्फ ये है कि जो एसिडिक मीडियम होता है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम एच आयन और वाटर को यूज करते हैं, बेसिक मीडियम में हम हाइड्रोक्साइड आयन और वाटर को यूज करते हैं इन ऑर्डर टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स। क्लियर हो गया। अब उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना है, प्लस सेवन से प्लस फोर में जाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे स्टूडेंट, थ्री इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब है इस तरफ हमें थ्री इलेक्ट्रॉन्स लिखना पड़ेंगे, माइनस वन प्लस टू वाटर प्लस थ्री इलेक्ट्रॉन्स एरो MnO2 प्लस फोर OH नेगेटिव। अब आपने क्या करना है, दोनों इक्वेशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल करना है, तो इस इक्वेशन को आप जो है वो मल्टीप्लाई कर दें, इस इक्वेशन में कितने थ्री इलेक्ट्रॉन है, टू से मल्टीप्लाई कर दें और इस इक्वेशन को थ्री से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, थ्री सी एन नेगेटिव प्लस सिक्स ओ एच, और ये क्या आ गया, थ्री सी एन ओ नेगेटिव प्लस थ्री वाटर प्लस सिक्स इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया। इसी तरह ये वाली इक्वेशन भी टू से मल्टीप्लाई करके, तो ये आ जाएगा टू एम एन ओ फोर नेगेटिव प्लस फोर जो है वो वाटर प्लस सिक्स इलेक्ट्रॉन एरो,
ये आ जाएगा 2MnO2 प्लस 8OH आयन, क्लियर हो गया। अब यहां पर स्टूडेंट क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल कर देंगे और फिर रिएक्टेंट वाली स्पीशीज को रिएक्टेंट वाली साइड पे, प्रोडक्ट वाली को प्रोडक्ट वाली साइड पे रखेंगे, तो ये हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी, क्लियर हो गया। इसके स्टूडेंट प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेसिक मीडियम की लॉन्ग क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। जी एक बच्चे ने पूछा सर ये रिपीट कर दें, यहां से स्टूडेंट देखें कि हमने क्या किया है कि दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन्स को इक्वलाइज करने के लिए नंबर से मल्टीप्लाई किया, इधर दो इलेक्ट्रॉन है इधर तीन है, तो इस इक्वेशन को थ्री से मल्टीप्लाई किया, इस इक्वेशन को टू से, थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल ये वाली इक्वेशन बन गई, छह इलेक्ट्रॉन हो गए, इसको टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी। दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल कर दें तो रिएक्टेंट वाली स्पीशीज इस तरफ लिख लें, प्रोडक्ट वाली स्पीशीज इस दफा लिखेंगे, हमारी क्या हो जाएगी, बैलेंस इक्वेशन हो जाएगी बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, क्लियर होगा स्टूडेंट। तो आज के लेक्चर में हमने सीखा ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे फाइंड करते हैं, उसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, फिर ऑक्सीडेशन नंबर से इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं। ये सारी चीजें आपको तब आएंगी जब आपको ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी आती होगी और फिर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का भी पता होगा कि ऑक्सीडेशन में कैसे इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करें तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है नेगेटिव चार्ज कम होता है, और रिडक्शन में कैसे इलेक्ट्रॉन्स ऐड करें तो नेगेटिव चार्ज जो है वो बढ़ता है पॉजिटिव चार्ज कम होता है, क्लियर हो गया। इसकी स्टूडेंट प्रैक्टिस कीजिएगा, फर्दर कोई क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर सकते हैं क्वेश्चन, या फिर फेसबुक ग्रुप में ऐड कर सकते हैं क्वेश्चन ताकि दूसरों को भी समझ आए, और इसके अलावा ये लेक्चर यहीं पे अपलोड भी है, आप इसको दोबारा फिर जब मर्जी देख सकते हैं। थैंक यू।